हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है रवि डिजिटल मीटर में। एक और नए वीडियो के साथ में हम लोग आ चुके हैं। ये जो मीटर है पल्सर NS का मीटर है, इसमें जो है डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले जो है ख़राब हो चुका है, और बहुत से बाइक में ऐसे प्रॉब्लम आता है। और कस्टमर जो है नया मीटर चेंज कर लेते हैं, और नए मीटर का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है। सो आज इसी मीटर को हम लोग रिपेयर करेंगे बहुत ही सस्ते दाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हैं आप लोग, पहले एक बार ऑन करके दिखाते हैं हम लोग। देखिए नंबर जो है सही से ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मीटर को खोल लेते हैं। जो मीटर का ब्रैकेट होता है उसे हम लोग खोलेंगे। सभी भाई से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो देखने को और मिले। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग पहले इस स्क्रू को जो है सबको अच्छे से खोल लेते हैं। देखिए सारे स्क्रू अच्छे से खुल चुका है। अब ब्रैकेट को निकाल लेते हैं हम लोग। तो निकल चुका है ब्रैकेट। अब जो है हम लोग मेटल को निकालेंगे। सबसे पहले तो इस स्क्रू को हम लोग साइड में रख लेते हैं। चलिए मेटल को जो है सही से निकाल लेते हैं। तो मेटल जो है टूट सकता है, इसलिए थोड़ा आस्ते से निकालिए, तो टूट सकता है। देखिए मीटर भी निकल चुका है, ये डाई भी निकल चुका। अब जो है सारे पिन को हम लोग अच्छे से डिसोल्डरिंग करेंगे, और आस्ते से डिस्प्ले को निकालेंगे, और आपको बताएंगे कैसे डिस्प्ले चेंज होता है। और इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आप सभी को। तो सही से देखिए। तो देखिए आस्ते आस्ते जो है सारे पिन को डिसोल्डरिंग कर लेना है, जो भी भाई को अगर ऐसे ही मीटर ख़राब हो गया होगा या नए मीटर चाहिए आपको, तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपना जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, या वीडियो में भी दे देंगे आप लोगों को। वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप या चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे पास जो है मीटर का जो भी काम हो आप लोगों को आसानी से हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे से करके देंगे हम लोग, ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम कोई ना हो। सारे जो पिन है डिसोल्डरिंग हो चुका है, और सारे पिन को अच्छे से एक बार और चेक कर लेना है, ताकि कोई भी पिन जो है बोर्ड से अटैच ना हो, नहीं तो निकालते वक्त जो है डिस्प्ले टूट सकता है आपका। तो सही से पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद डिस्प्ले को निकालिए। तो देखिए सारे पिन जो है अच्छे से निकल चुका है। हम डिस्प्ले को आस्ते से निकालेंगे। देखिए डिस्प्ले जो है पूरा निकल चुका है। ये बोर्ड है उनका, बोर्ड जो है पूरा फ्रेश है, बोर्ड में कुछ भी नहीं हुआ है। हम डिस्प्ले को निकालेंगे। तो देखिए ये पूरा डिस्प्ले जो है ख़राब हो चुका था, इसको निकाल के जो है हम लोग नया डिस्प्ले लगाएंगे, दिखाएंगे भी कैसा होता है डिस्प्ले।
और जिस भाई को भी डिस्प्ले चाहिए होगा तो डिस्प्ले भी मिल सकता है पूरा क्वांटिटी में और सस्ते प्राइस में मिल जाएगा आपको। हीटर का जो भी सामान चाहिए हम लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। तो देखिए ये जो है नया डिस्प्ले है, यही डिस्प्ले हम लोग लगाएंगे और ये जो है उनका पुराना डिस्प्ले है, तो आप लोग देख सकते हैं अंतर। इसके ऊपर जो होता है पन्नी होता है एक लगा हुआ ताकि डिस्प्ले में स्क्रैच ना आए। पूरा जो है डिस्प्ले अच्छे से सेट हो चुका है तो हम लोग बोर्ड में लगाएंगे। तो और डिस्प्ले लगाते हैं कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो पिन जो है टूट सकता है और डिस्प्ले भी टूट सकता है, इसलिए थोड़ा आस्ते धीरे धीरे लगाइए, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा अच्छे से लगाइए नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए सभी पिन को हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। जो भी भाई को अगर मॉडिफिकेशन कराना हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को। और यहाँ जो है मीटर मॉडिफिकेशन के साथ साथ मीटर रिपेयर और नए भी सामान मिलता है, और जो है डिस्प्ले भी चाहिए अगर किसी भाई को बल्क में तो वो भी मिल सकता है। हमारा जो पिन है पूरा अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है और जो है एक बार हम लोग साफा कर लेंगे बोर्ड को अच्छे से साफा करके, उसके बाद लाइन देना है नहीं तो बोर्ड जो है शॉर्ट हो सकता है। जो भी काम कीजिए बहुत ही सावधानी से कीजिए नहीं तो नुकसान आपको बढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगे अच्छे से कीजिए, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए काम करते वक्त। देखिए हम लोग जो है बहुत ही सावधानी से काम कर रहे हैं और अच्छे से क्लीन करके उसके बाद लाइन देना है। देखिए हमारा जो बोर्ड है लगभग क्लीन हो चुका है अच्छे से, देखिए पूरा फ्रेश हो चुका है मीटर, पूरा कंपनी जैसा लग रहा है। पर मीटर का ब्रैकेट लगा के हम लोग स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे, उसके बाद लाइन लेके आपको दिखाएंगे कैसा दिख रहा है। और एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से, अगर जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ऐसे वीडियो और देखने को मिले और नॉलेज भी आप सभी को मिले। तो देखिए स्क्रू जो है अच्छे से सबको टाइट कर लेना है आस्ते आस्ते, और ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है नहीं तो डिस्प्ले जो है टूट सकता है, मीडियम में टाइट करना है। सारे स्क्रू जो है टाइट हो चुका है, अब हम लोग नीडल को लगा लेते हैं। और नीडल को जो है देखिएगा जीरो पे लॉक हो जाएगा खुद पे, और वहाँ पे हम लोगों को दबा देना है सुई को नीडल को ताकि लॉक हो जाए जीरो पे। तो देखिए हो चुका है, सारे काम रेडी हो चुका है, अब लोग हम
जो है पावर देंगे इस बोर्ड में और देखेंगे डिस्प्ले सही से ग्लो कर रहा है या नहीं, और जो है उसमें अच्छा सही से दिख रहा है या नहीं, एक बार लाइन दे के हम लोग देख लेते हैं। देखिए मीटर ऑन हो चुका है और सारे नंबर भी सही से दिख रहा है, कोई भी इस मीटर में परेशानी नहीं हुआ। और ऐसे ही वीडियो अगर देखना हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। आई होप आपसे भी तो ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ और नया करेंगे। अभी के लिए बाय बाय गाइज़।